जय शंकर दोस्तों, सावन का महीना अब खत्म होने को आया है और इस दौरान कई ऐसे व्रत और त्योहार आए हैं जिन सबकी अपनी एक अलग मान्यता है। ऐसे में सावन मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 5 अगस्त को था और अब कल यानी 20 अगस्त को पड़ रहा है। कहते हैं कि सावन में आने वाला प्रदोष व्रत हर किसी को रखना चाहिए। इस व्रत में भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का पूजन होता है। इस बार ये व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है तो इसे शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान कई शुभ संयोग बन रहे हैं, तो आइए सबसे पहले उन संयोग के बारे में जानते हैं और फिर जानेंगे इसके महत्व और पूजन के बारे में विस्तार से। शुभ संयोग, 20 अगस्त को रात 8:50 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। सावन 2021 के दूसरे प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। आयुष्मान योग 20 अगस्त को दोपहर 3:32 तक रहेगा, इसके बाद सौभाग्य योग लगेगा। चलिए बात करते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो, मोक्ष प्राप्त कर मृत्युपरांत शिव के लोक में जाकर सदा वहीं वास करता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान ध्यान के बाद शिव भगवान पर जल बेलपत्र और पुष्प चढ़ाने से बिगड़े काम बनते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने वाले शिव भक्त को भगवान शिव संसार के समस्त सुख प्रदान करते हैं। शुक्र प्रदोष की तिथि के दिन भगवान शिव का पूजन करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। प्रदोष व्रत करने से पापों का नाश होता है, मनोकामना पूरी होती है और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था और इस पाप के निवारण के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और प्रदोष व्रत किया। अब आपको बताते हैं इस दिन की व्रत विधि के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त से 45 पूर्व और सूर्यास्त के 45 बाद तक की जाती है। इसे प्रदोष काल कहा जाता है। सुबह नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हल्के लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना शुभ रहता है। चांदी या तांबे के लोटे से शुद्ध शहद एक धारा के साथ शिवलिंग पर अर्पण करें। उसके बाद शुद्ध जल की धारा से अभिषेक करें और ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन पुष्प अक्षत धूप दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करें। अपनी समस्या के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें और शिव चालीसा पढ़ें। इसके साथ ही आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। महिलाएं माँ पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाएं। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना शुभ माना जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।